स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जालंधर के गुरु तेग बहादुर नगर में प्रवासी भारतीयों में बड़े कारोबारियों के लिए समृद्धि नामक एक ऐसी ब्रांच का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें आप 25 लाख रुपए दिए बिना अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। इस बैंक का उद्घाटन बैंक के चीफ जनरल मैनेजर अनिल किशोरा ने किया। उन्होंने बताया कि ये पंजाब की पटियाला के बाद दूसरी ब्रांच है। वह इस ब्रांच में ग्राहकों को ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो अन्य ब्रांचों में नहीं होगी, जैसे उनको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक कि उनको बैंक आने की भी ज़रूरत नहीं, उनके दरवाजे तक जाकर खाता खोल दिया जाएगा। ये हमारी समृद्धि ब्रांच है और जैसा कि मैं अभी बता रहा था, हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिससे कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स में हमारे कस्टमर्स हैं, जैसे कि इस एरिया में डॉक्टर्स के नंबर्स ज़्यादा हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये ब्रांचेस खोली जा रही हैं। पहले हमने इस तरह की एक ब्रांच पटियाला में खोली, एक ये नॉवेल कॉन्सेप्ट था, पंजाब में वो पहली ब्रांच थी और हमने देखा कि वो बहुत बढ़िया कर रही है और उसी तरह की फॉर्मेट में अदर ब्रांच अदर सेंटर्स में भी अगर हम ऐसी ब्रांच खोलते हैं तो उससे हमारे कस्टमर्स को बहुत सुविधा होगी। इसको ध्यान में रखते हुए जालंधर में खोला गया है। जालंधर हमारे लुधियाना जोन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट शहर है, यहाँ NRIs भी हैं और हर तरीके से जालंधर शहर बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, इसलिए नेचुरल चॉइस था कि यहाँ भी हम समृद्धि ओपन करें। इसमें जो हाई नेटवर्थ आ रहे थे, जिनका हमारा वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप 25 लाख से अबव है, उनके लिए विशेषकर ये शाखा खोली गई है, जिनका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसी तरह के फॉर्मेट में खोल रहे हैं, तो जिन लोगों का आय इससे कम है या ज़्यादा है, तो हर तबके के लिए हमारे पास ब्रांचेज हैं, जिससे कि उनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार टेलर मेड सर्विसेज हम दे सकें। यही जालंधर से अजार टीवी न्यूज़ के लिए रजत प्रीत सिंह की रिपोर्ट।